हेलो हाय एवरीवन मॉर्निंग अपडेट में आप लोग का स्वागत है तो अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो तुरंत जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए फॉर माय लेटेस्ट अपडेट तो चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो यहां पर मेनली मैं बात करने वाला हूँ जोमेटो आईपीओ के बारे में तो जोमेटो की आईपीओ आप लोग को बताया फोर्टीन से सिक्सटीन के बीच में आने वाली है और ये आईपीओ बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर सकती है मार्केट में पर यहां पर जो मेन चीज आती है मतलब ये ऑफकोर्स चांसेस इतना ये बना चुकी है चांसेस जैसे ही ये आईपीओ मार्केट में उतरती है तो उसके बाद ये बहुत ही जल्दी ऊपर जा सकती है ऊपर जाने का चांसेस बना रही है मतलब इन द सेंस कि अगर आईपीओ में आपको ये टेन रुपीज़ की शेयर्स मिलेगी जस्ट एन एग्जाम्पल अगर आईपीओ में आपको ये जस्ट टेन रुपीज़ या हंड्रेड रुपीज़ की ये शेयर्स मिलेगी तो आपको ये शेयर्स में भी चांस बना सकती है कि वन फिफ्टी से लिस्टेड हो कंपनी तो ये सब चांसेस बना सकती है जोमेटो की आईपीओ तो इस पर आप लोग को फोकस रखना है पर यहाँ पर मैं आप लोग को एक और कौन बता देता हूँ कि यहाँ पे इन लोग के एडवर्टाइजमेंट में डिस्काउंट ऑफर में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंस लगता है तो सोच समझ के पैसा लगाइएगा और लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी रुक जाइए मेरे तरफ से यही सजेशन है पर एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिएगा पर मेरे तरफ से सजेशन है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट लगाना चाहते हैं तो अभी रुक जाइए क्योंकि इसकी एक्सपेंस बहुत ही ज्यादा रहती है हमेशा डिस्काउंट जो प्रोवाइड होती है मतलब एक्सेस डिस्काउंट एंड ऑल तो जिसके चलते ये कंपनी कहीं ना कहीं उतना नेट प्रॉफिट क्रिएट नहीं कर पा रही जिस हिसाब से इस कंपनी की ग्रोथ बनी हुई है इनफैक्ट इसके रिगार्डिंग और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगर अभी हम लोग आगे बात करें तो यहां पे देख सकते हैं रिलायंस तो रिलायंस के रिगार्डिंग कल भी मैंने वीडियो बनाया था तो रिलायंस और टाटा मोटर्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूं आप लोग को तो रिलायंस और टाटा मोटर्स पहले मैं टाटा मोटर्स में मूव कर देता हूँ फिर रिलायंस के बारे में आपको बताता हूं तो टाटा मोटर्स में बहुत लोग बोल रहे थे सर शेयर्स ये ऊपर जाएगी कि नहीं तो आप लोग को मैं बता देता हूं इसकी प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं ऊपर जाएगी कि नहीं वो बाद में पता चलता है तो यहां पर सिंपल बात बताए कि ये शेयर्स अभी आप लोग के पास राइट टाइम है अगर पैसा लगा के लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ने

कुछ भी उल्टा सीधा या कुछ वेबसाइट या डिफरेंट वेबसाइट से न्यूज ये उड़ते हुए नहीं आया ये डायरेक्टली टाटा मोटर्स की तरफ से बी एस इंडिया में इनकी पीडीएफ के थ्रू ये न्यूज आया है कि इनकी क्वार्टर की रिजल्ट कुछ खराब रहेगी जिसके चलते ये कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर के थ्रू या डिफरेंट इन्वेस्टर के थ्रू ये निराशा देखने को मिला है स्टॉक में उससे ज्यादा और भी कुछ बात नहीं हुई है पर यह शेयर्स आप लोग को फ्यूचर में एक अच्छा प्रॉफिट गेन करते हुए दिख सकती है तो आप लोग के पास अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है तो ऑफकोर्स आप लोग इस शेयर्स को बाई कीजिए अब रिलायंस की बात करते हैं तो रिलायंस के शेयर तो बहुत तरीके से बहुत जगह से न्यूज आते ही रहती है पर एजीएम मीटिंग के बारे में भी जानते हैं तो गिरावट तो हुई पर अभी आप में आपको आपके पास अपॉर्चुनिटी इसमें इंटर ट्रेडिंग करने का अगर और भी कुछ डाउट हो तो आप जल्दी मुझे कमेंट कीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा क्योंकि मेरी सबसे पहली अपडेट आपके पास आनी चाहिए जोमेटो आईपीओ के बारे में बात हो चुकी है तो मैं आज जोमेटो आईपीओ के ऊपर एक पूरा ब्रीफली वीडियो बनाऊंगा तो आप भी वो वीडियो देख सकते हैं आज इवनिंग तक मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा इसलिए बोल रहा हूँ लगातार मैं वीडियो सब अपलोड करते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन पर क्लिक कर लीजिए और जिन किन्हीं को भी अपना फ्री डीमेट अकाउंट खोलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप लोग जाकर अपना फ्री डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं वो भी अप स्टॉक में जिसमें नामा के बराबर ब्रोकरेज चार्ज लगती है थैंक यू हैव हैवे नाइस डे